राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में हमने आपको समझाया था, जिसमें आज हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहले है सड़क के परिवहन के तीन गुण बताइए। अब तीन गुण कौन कौन से हैं? जैसे सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी है, मतलब जो हमारे जो अन्य साधन है वह क्या है, उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। फिर सड़कों के निर्माण में लागत भी कम आती है। फिर उसके बाद यहाँ घर घर सेवाएं जो उपलब्ध करवाते हैं, मतलब हम सड़क के माध्यम से हम हर क्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं। तो इसके बाद है रेल परिवहन, कहाँ अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। यहाँ पर हम देखेंगे कि रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन की प्रमुख साधन है और इसके अनेक कारण जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी के सामान परिवहन आदि। फिर इसलिए रेल परिवहन जो है अत्यधिक सुविधा परिवहन है, क्योंकि उत्तरी मैदान और विस्तृत समतल भूमि जो स्थल है वहां पर ये क्या होता है, जनसंख्या घनत्व के संपन्न कृषि और प्रचुर साधन कारण रेल परिवहन विकास समृद्धि में ये सहायक होता है। फिर सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। अब सीमांत सड़क, सीमांत क्षेत्र में जो भी छोटे छोटे क्षेत्र जो होते हैं वहां सड़कों के निर्माण व देखरेख का कार्य जो है सीमा सड़क संगठन करता है और यह जो है सामरिक महत्व जो है सड़कों को विकास प्रदान करती है। और सड़कों का महत्व इस प्रकार है, ये सड़क सीमावर्त शहरों में रहने वाले लोगों के लिए विशेषकर जो चोटियों की रखवाली करते हैं, सैनिकों के लिए प्रतिदिन की आवश्यकताओं की जो सामग्री होती है उसमें बड़ी सहायक सिद्ध होती है। फिर युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों की लड़ाई के सामान और खाद्य सामग्री जो है अन्य सुविधाएं जो होती है वह उनको पहुंचाई जाती है और इन्हीं सड़कों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में भी आना जाना संभव या सरल हो पाता है। और ये सड़कें जो हैं कई क्षेत्रों में जो आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध हुई है, मतलब सड़क के होने से देश जो है आर्थिक विकास तेजी से किया है। फिर व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट किए। राज्य के देशों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उसको हम व्यापार कहते हैं और जो राजस्थानीय या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्य। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो विभिन्न देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। स्थानीय व्यापार एक देश के अंदर जो एक राज्य से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता है उसको हम स्थानीय व्यापार कहते हैं। फिर यहाँ पर है परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा या अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं में लोगों को क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं और उनको ले जा सकते हैं। और फिर संचार के साधन जो है, संचार के साधन है जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं देश के विकास में एक जीवन रेखा है। इसमें जैसे एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन की सुविधा पर निर्भर करता है। फिर भारत में जो विशाल आकाश विविधताओं में भाषाई उस सभी को एक क्षेत्र में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है और इसी के साथ साथ तीव्र गति वाले जो परिवहन को आज संसार में एक बड़े गाँव में परिवर्तित हो गया है। इसके वह क्यों हो गया है, क्योंकि परिवहन के विकास संचार के माध्यम से विकास में सहायता जो है वह संभव हो पाया है और युद्ध के समय में भी इनका महत्व जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदली हुई जो प्रवृत्ति है उसको वह कैसे है। तो जो हमारे दो देशों के मध्य जो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति जो है आर्थिक व्यापार का सूचक है, क्योंकि यदि हम अधिक से अधिक व्यापार करेंगे स्वाभाविक है हमारा आर्थिक विकास में भी तेजी से वृद्धि होगा। इसी तरह से भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है और सभी भौगोलिक प्रदेशों में और इसके आधिकारिक खंडों में साथ साथ भारत के व्यापारिक संबंध में कुछ वर्षों में निर्मित वृद्धि वाली जो वस्तुएं हैं उसमें जो है उत्पाद में खनिज अयस्क जैसे चीजें, रत्न है, जवाहरात है, रसायन संबंधी उत्पादन, इंजीनियरिंग सामान में पेट्रोलियम आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसी तरह से कोयला, कोक, कोयले के से जो मशीनरीज आदि जो शामिल है उसमें आयात की जाती है, फिर उसके आयात की अपेक्षा निर्यात को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ पर, विश्व व्यापार में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारे जो परिवहन के साधन है वो एक तरह से जीवन रेखाएं हैं और इनके माध्यम से ही हम देश के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगा।